सोलिडनेस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और हम उत्पत्ति के साधन को स्पष्ट करेंगे। जो हम आपको उत्पत्ति के साधन पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको पूरी इकोनॉमिक्स में काम में आते हैं। इसमें मतलब जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक में किसी न किसी प्रकार से उत्पादन और उत्पत्ति तो आती ही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इकोनॉमिक्स क्या है? कंडीशन, समस्याएं और उनका समाधान। और जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है ना। इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है और इकोनॉमिक्स ही है। लेकिन जब हमारी इकोनॉमिक्स में ये है हमारी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब होता है हमारी समस्याएं और उनका समाधान। और ठीक उसी प्रकार जब इकोनॉमिक्स के आगे हमारा बिजनेस लग जाता है, बिजनेस लग जाता है तो ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि बिजनेस के अंदर होने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम और उनका सलूशन। जब हमारी इकोनॉमिक्स के आगे बिजनेस लग जाता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में होने वाली परेशानियां, दिक्कतें, प्रॉब्लम और उनका किस तरीके से हम निवारण करें, किस तरीके से हम उसका सलूशन ढूंढें, ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब सेकेंड चीज हमारी आती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का बिजनेस करेंगे तो उसे उत्पत्ति मतलब उत्पादन भी करना होगा। तो उसके कुछ ऐसे साधन होते हैं जो उन साधनों के बिना वो किसी न किसी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो अब पढ़ेंगे आप उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन है ना, उत्पत्ति के साधन जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? पांच। कौन कौन से? भूमि, पूरी, श्रम, साज और संग्रह। ये हमारे उत्पत्ति के पांच साधन होते हैं। पहला है हमारा भूमि, दूसरा है हमारा पूंजी, तीसरा है हमारा श्रम, नेक्स्ट हमारा है साहस एंड संगठन। ये हमारे उत्पत्ति के पांच साधन होते हैं। इकोनॉमिक्स में जो हमारी अर्थशास्त्र होती है उसमें उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें किसी न किसी प्रकार का उत्पादन होता है, किसी न किसी प्रकार का बिजनेस होता है और इन साधनों के बिना ना तो किसी प्रकार का बिजनेस हो सकता है और ना ही किसी प्रकार का व्यवसाय हो सकता है। तो आप स्पष्ट पाएंगे पहला हमारा भूमि। भूमि हमारा उत्पादन का सबसे पहला साधन होता है और भूमि के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं होता है। जैसे आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई कंपनी खोलना चाहते हैं या किसी न प्रकार का बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप भूमि के बिना वो संभव नहीं है, है ना। भूमि के बिना किसी प्रकार का ना तो व्यवसाय संभव होगा और ना ही उत्पादन संभव होगा। तो भूमि हमारी उत्पत्ति का पहला साधन होता है, भूमि के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं होता है। एंड दूसरा है हमारा पूंजी। पूंजी क्या होता है? पूंजी हमारी उत्पत्ति का दूसरा साधन होता है। पूंजी के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं होता है। आप मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं आप किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे और आपके पास पूंजी है तो आप कैसे करेंगे? बिना पूंजी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जब आपके पास पूंजी होगी तब आप भूमि खरीद पाएंगे, पूंजी होगी तब आप श्रम लगा पाएंगे और जब आपके पास भूमि होगी तभी आप साहस कर पाएंगे और तभी आप संगठन को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो भूमि हमारी सॉरी पूंजी हमारी उत्पादन की दूसरा साधन होता है और पूंजी के बिना ही हम किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। एंड चौथा है हमारा तीसरा। तीसरा है हमारा श्रम। श्रम क्या होता है? श्रम हमारी उत्पत्ति का तीसरा साधन होता है। श्रम के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं होता है। श्रम यानी लेबर, मतलब व्यक्तियों के बिना जो लोग होते हैं, लेबर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, इनके बिना कोई भी बिजनेस संभव नहीं होता है। मान लीजिए कि आप किसी प्रकार के आप मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं या आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो बिना लेबर के आप कंपनी चला लेंगे? नहीं। बिना लेबर के आप बिजनेस चला लेंगे? नहीं। या पेन आप बना रहे हैं तो बिना लेबर का एक पेन बन जाएगा? नहीं। तो ये हमारी उत्पत्ति का तीसरा साधन होता है। ये हमारी उत्पत्ति का मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो है साधन है। इसके बिना भी किसी प्रकार का उत्पादन संभव
नहीं होता है। एंड चौथा है हमारा सास। सास क्या होता है ना हमारा, जैसे हम किसी भी व्यवसाय बिजनेस में अपने 50,000 रुपए हमने लगा दिए है ना, अब हमारे पता नहीं कि 50,000 वापस आए, हो सकता है इसमें लॉस हो गया 25,000, हो सकता है इसमें प्रॉफिट हो गया 1,00,000 रुपए है ना। तो ये हमें पता नहीं है कि ये 50,000 हमारे पास ही आए, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है ना। तो हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि 50,000 उसको लगाने के बाद हम उसको सहन कर सकें, अगर लॉस हुआ तो सहन कर सकते है ना। फिर पांचवा है हमारा संगठन। संगठन यानी होता है ग्रुप। जब तक हम अपने ग्रुप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक हम किसी प्रकार का व्यवसाय, किसी प्रकार का बिजनेस, किसी प्रकार का उत्पादन कुछ संभव नहीं होगा। जैसे हम चाहते हैं कि हम एक पेन बनाना चाहते हैं है ना, हम इस पेन को बनाएंगे तो उस पेन के लिए हमें संगठन की मतलब कंपनी बोलेंगे तो उसको एक संगठन की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक मैनेजमेंट भी होगा, एम्प्लॉय भी होगा, स्पीकर भी होगा, कंप्यूटर वर्कर भी होगा, अकाउंटेंट भी होगा, ऑडिटर भी होगा। तो ये सब चीजें हमारे ग्रुप में आती है, संगठन में आती है। तो बिना संगठन के भी हम किसी भी प्रकार का काम नहीं करते।